बिस्मिल्लाह रहमान दिस इज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल राहिल अहमद. वी ब्रिंग फॉर यू एजुकेशनल, मोटिवेशनल एंड इंटरेस्टिंग साइंस लेक्चर्स. डू सब्सक्राइब एंड स्टे कनेक्टेड. आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का पार्ट 2. यानी कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पर बात की, लेकिन वो क्लासिफिकेशन हमने डिस्कस की ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर की बेस पर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को किन किन क्लासेस में डिवाइड किया जाता है उस पर हमने एक डिटेल लेक्चर लिया. आज की इस लेक्चर के अंदर हम इस बात पर बात करेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप. ठीक है, तो पहले हम इसको देखते हैं. क्लासिफिकेशन ऑफ मार्कर मेरे हाथ से थोड़ा डेल है. क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये हमारा मेन टॉपिक है जिसका हमने एक लेक्चर ले लिया. आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप. फंक्शनल ग्रुप आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट विल बी क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप. अब इस क्लासिफिकेशन को स्टार्ट करने से पहले आपको आइडिया होना चाहिए कि फंक्शनल ग्रुप का क्या मतलब है. फर्स्ट मैं इसको क्लियर करता हूँ. फंक्शनल ग्रुप देखिए, नाम से जाहिर है फंक्शनल ग्रुप. फंक्शनल ग्रुप तो फंक्शनल ग्रुप या इसको आप फंक्शनल पार्ट भी कह सकते हैं. हम इसको डिफाइन इस तरह से करते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का वो पार्ट जो उनकी प्रॉपर्टीज उनकी फंक्शंस को डिसाइड करे, या ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक ऐसा पार्ट जिसकी वजह से उनमें खास किस्म की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज आए, फिजिकल भी और केमिकल भी, तो उसको हम क्या कहते हैं, फंक्शनल पार्ट. बेसिकली ऑल द फंक्शंस, फंक्शंस मीन केमिकल रिएक्शंस, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस डिपेंडेंट ऑन दिस ग्रुप. और याद रखना है कि ये एक एटम भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकते हैं. तो आप इसको डिफाइन कैसे करेंगे, आप ये कह सकते हैं कि एन एटम, एक एटम भी हो सकता है आर ग्रुप ऑफ एटम. एन एटम आर ग्रुप ऑफ एटम विच गिव कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज टू ऑर्गेनिक कंपाउंड. इस कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप. तो आई होप ये आइडिया आपको क्लियर हो गया होगा कि फंक्शनल ग्रुप का मतलब क्या है. तो फंक्शनल ग्रुप हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड का फंक्शनल पार्ट, जो मेन फंक्शनल पार्ट हो, जो मेन वर्किंग पार्ट हो, उसको हम क्या कहेंगे, फंक्शनल ग्रुप. फॉर एग्जांपल देखें, मैं अगर ये फॉर्मूला लिखूं CH4, आप में से अक्सर लोगों को पता होगा हम कहते हैं कि दिस इज बिलोंग टू अल्केन, इसको हम कहते हैं अल्केन. अब अगर हम इसका एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दें और इसकी जगह पर मैं OH लगा दूं, तो नाउ दिस होल कंपाउंड बिकम्स अल्कोहल. ये सारा कंपाउंड क्या बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा. तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमने ग्रुप लाया, इस ग्रुप ने क्या किया, इस सारे कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक को चेंज कर दिया. सिमिलरली मैं अगर एक और एग्जांपल आपके सामने इसको मोर इलाबोरेट करने के लिए लिखूं, CN, एक हाइड्रोजन हटाया, उसकी जगह पे CL लगा दिया, तो ये बन जाएगा अल्काइल हैलाइड. अल्काइल हैलाइड. तो वंस अगेन इस एटम के आने की वजह से इस कंपाउंड की सारी कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गई, चेंज हो गई. तो हम इसको अगेन क्या कहेंगे, इट इज अ फंक्शनल ग्रुप. तो ये एक फंक्शनल ग्रुप हो गया, या ये फंक्शनल ग्रुप हो गया. ठीक है, इनको हम फंक्शनल ग्रुप इसलिए कहते हैं
कि इन तमाम कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज या मेन कैरेक्टरिस्टिक यही ग्रुप डिसाइड करते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप आपने याद रखना है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का फंक्शनल पार्ट, ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो फंक्शनल पार्ट होगा जो उनको सर्टन कैरेक्टरिस्टिक किस्म की प्रॉपर्टीज देगा, दैट इज नोन एज फंक्शनल ग्रुप। अच्छा, अब हम आएंगे क्लासिफिकेशन के ऊपर कि फंक्शनल ग्रुप को कैसे क्लासिफाई किया जाता है। That's okay, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, अब यहां पे याद रखिएगा फंक्शनल ग्रुप की बेस पर ऑर्गेनिक कंपाउंड को दो मेन क्लासेस में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। अब कौन कौन सी, नंबर वन हाइड्रोकार्बन, ये पहली क्लास है, ठीक है, और दूसरी है डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन, डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। हम क्या कह रहे हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को फंक्शनल ग्रुप की बेस पर दो मेन क्लासेस में डिवाइड किया जाता है, हाइड्रोकार्बन और डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। अब फर्स्ट आपको ये क्लियर होना चाहिए कि हाइड्रोकार्बन का क्या मतलब है, ठीक है। याद रखना है कि ऐसे कंपाउंड जिनमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद हो, ऐसे कंपाउंड्स जिनमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद हो उन्हें हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो आप सिंपल अल्फाज में क्या कहेंगे, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली, ऐसे कंपाउंड्स जिनमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन हो और हाइड्रोजन हो, यानी कि दो एलिमेंट्स हो, जैसे मैंने पहले आपके सामने एग्जांपल लिखी थी, ये CH4, दिस इज हाइड्रोकार्बन, CH2, दिस इज हाइड्रोकार्बन। सिमिलरली अगर मैं ये लिखूं CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो दिस इज हाइड्रोकार्बन, ठीक है। आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी होगी कि हाइड्रोकार्बन का क्या। डेरिवेटिव की तरफ जाने से पहले थोड़ी सी इसकी डिटेल चेक करते हैं कि हाइड्रोकार्बन में कौन कौन से कंपाउंड्स आते हैं, ठीक है। मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड की बात की थी, लेकिन अब यहाँ पे अगेन इसकी बात करूंगा, ठीक है। याद रखिएगा हाइड्रोकार्बन मे बी अनसैचुरेटेड, ये एक क्लासिफिकेशन है जिसको यहाँ पे मैं मेंशन करना लाजमी समझूंगा, ठीक है। इसके अलावा आपने लास्ट टाइम डिस्कस किया था ओपन चेन, फिर उसमें ब्रांच चेन, स्ट्रेट चेन, इसी तरह साइक्लिक में एलिफैटिक एरोमेटिक, वो सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करते। यहाँ पे सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन से होंगे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन से होंगे। याद रखना है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम कहते हैं अल्केन, ठीक है। और आपको पता है कि ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन के सारे बॉन्ड सिंगल हो, आप इसको डिफाइन कर सकते हैं कि व्हेन ऑल दी फोर बॉन्ड्स ऑफ कार्बन आर सिंगल, जब कार्बन के चारों बॉन्ड सिंगल हो, तो हम उन कंपाउंड्स को क्या कहेंगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और उसमें कौन से आएंगे, अल्केन, जैसा कि CH4। अगर इसको मैं खोल के लिखूं तो क्या बनेगा, ये चीज बनेगी। अब इस तरह के जितने कंपाउंड्स होंगे जिनमें ये सारे बॉन्ड कार्बन के सिंगल हो, उनको आप क्या कहोगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और वो होंगे अल्केन। ये चीज आपने अपने ध्यान में रखनी है, आगे वाले टॉपिक्स में आपको ये बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, ठीक है। दूसरा हम आते हैं इसके ऊपर कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। देखें, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में दो तरह के हाइड्रोकार्बन आते हैं, अल्कीन और दूसरा है अल्काइन, अल्कीन एंड अल्काइन, ठीक है। अब याद रखना है कि व्हेन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट, जब कंपाउंड में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मौजूद हो उसको हम कहते हैं अल्कीन। ऐसे हाइड्रोकार्बन
जिनमें एटलीस्ट वन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मौजूद हो, दोज आर नोन एज अल्कीन। ठीक है, ऑन द अदर हैंड वो जिनमें एटलीस्ट एक कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो, जिनमें एटलीस्ट कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड एक मौजूद हो, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं लेकिन एक का प्रेजेंट होना लाजमी है और बेसिक बेसिक जरूरत है इसकी, इस क्लास ऑफ कंपाउंड की। ठीक है, तो ये दो चीजें आपने याद रखनी है कि हाइड्रोकार्बन हम उन कंपाउंड्स को कहेंगे जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन हो सिर्फ और सिर्फ, और दूसरी बात कि ये दो तरह के होंगे, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में मैंने एक एग्जांपल दी आपको अल्केन, और अनसैचुरेटेड में मैंने दो एग्जांपल दी अल्केन और अल्काइन की। ठीक है, तो ये चीजें आपको क्लियर होगी। अब आते हैं डेरिवेटिव ऑफ अल्काइन डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन नंबर टू, जिसका दूसरा पार्ट है, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन्स के डेरिवेटिव। आप देखिए, डेरिवेटिव लफ्ज का मतलब आपके जहन में आ रहा होगा जो चीज डिराइव की गई हो। अब डेरिवेटिव ऑफ व्हाट, डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन की बात की जा रही है ना, तो इसका मतलब ये होगा कि ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोकार्बन से डिराइव किए गए हो। अब कैसे डिराइव किए जाएंगे, तो उसका मतलब ये होगा कि जब हम हाइड्रोकार्बन में से एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन को किसी दूसरे एटम या ग्रुप से रिप्लेस कर दें, तो जो कंपाउंड बनेगा उसको हम डेरिवेटिव कहेंगे। ठीक है, तो आप ये कहोगे कि कंपाउंड ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग कंपाउंड ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग वन आर मोर हाइड्रोजन ऑफ हाइड्रोकार्बन विद एनी अदर ग्रुप आर एटम। जब भी हम हाइड्रोकार्बन के किसी एक हाइड्रोजन या एक से ज्यादा हाइड्रोजन को हम किसी एटम या ग्रुप ऑफ एटम से रिप्लेस कर दें, तो जो चीज बनेगी, जो कंपाउंड बनेगा, उसको हम कहेंगे डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। अब देखिए, मैंने ये एक एग्जांपल आपके सामने लिखी, बार बार इसी को लिख रहा हूं ताकि आपको ये चीजें अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ठीक है, दिस इज हाइड्रोकार्बन। अब मैं क्या करता हूं, इसका एक हाइड्रोजन हटा देता हूं, उसी एच थ्री लिख देता हूं और इसके साथ एक बॉन्ड लगा के OH लगा देता हूं। दिस इज हाइड्रोकार्बन एंड नाउ दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। क्योंकि कैसे बना, जब मैं हमने इसका एक हाइड्रोजन हटा दिया, उसकी जगह पर हमने OH लगा दिया, दिस इज ऑल्सो डेरिवेटिव। सिमिलरली CH3NH2, दिस इज ऑल्सो डेरिवेटिव। तो सिंपल सी बात आपने अपने जहन में रखनी है कि जब भी हाइड्रोकार्बन में से हम एक या एक हाइड्रोजन को किसी दूसरे एटम या ग्रुप ऑफ एटम से रिप्लेस कर दें, तो उसको हम क्या कहेंगे, डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो ये जितने भी बाकी फंक्शनल ग्रुप की बेस पर कंपाउंड्स होते हैं वो बेसिकली क्या होंगे, डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो अब हम मुख्तलिफ तरह के कंपाउंड्स को, क्लास ऑफ कंपाउंड्स की बात करेंगे जो फंक्शनल ग्रुप की बेस पर हमारे सामने आए। ठीक है, उसके लिए मैं एक चार्ट पर आता हूँ, ठीक है, जिसमें आपके पास चंद एक बेसिक चीजें होंगी। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले क्लास ऑफ कंपाउंड, ठीक है, एक आप इसमें जितनी भी मैं चीजें लिखूंगा वो कंपाउंड की क्लास का नाम होगा। ठीक है, दूसरी चीज आपने जो जहन में रखनी है, दैट इज फंक्शनल ग्रुप को याद रखना है। ठीक है, और तीसरी चीज आपने इसका फॉर्मूला जहन में रखना है।
बस मैं ज्यादा चीजें नहीं लेता, मैं तीन बातों को लेकर आपको मुख्तलिफ कंपाउंड की क्लासेस को क्लासिफाई करके दिखाऊंगा। ठीक है, सबसे पहली जिस क्लास में हम बात करते हैं दैट इज अल्केन, जी आपको आती है, पहले से आती है। ठीक है, ये बात के लेक्चर में भी आएगी। अब यहाँ पे एक चीज आपने जहन में रखनी है कि हर क्लास के ऊपर एक चैप्टर है या एक चैप्टर में दो क्लासेस डिस्कस की गई होंगी। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम इन तमाम क्लासेस को ही डिस्कस करते हैं, इसके अलावा कोई और चीज नहीं डिस्कस की जाती। ये जो हम अल्केन की बात करते हैं, अल्कीन की, अल्काइल हैलाइड की, अल्काइन की, अल्कोल की, अमाइन की, ईथर की, एसिड की, अमाइड की, इन तमाम की हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर केमिस्ट्री को स्टडी करते हैं। ठीक है, अब आते हैं अल्केन। पहली चीज, अल्केन का फंक्शनल ग्रुप याद रखना है। अल्केन का फंक्शनल ग्रुप होता है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड या कार्बन के सारे सिंगल बॉन्ड। व्हेन कार्बन हैज ऑल इट्स बॉन्ड सिंगली फॉर्म्ड, या आप ये कह लें कि व्हेन ऑल द फोर वैलेंसीज ऑफ कार्बन आर सेटिस्फाइड थ्रू सिंगल बॉन्ड, तो उसको आप क्या कहोगे, अल्केन कहोगे। इसका फॉर्मूला सी एच फोर भी आप लिख सकते हैं, CH3 भी लिख सकते हैं, तो ये इसका एक फार्मूला बन जाता है। इसका जनरल फार्मूला लिखना चाहिए, लेकिन मैं कंपाउंड की क्लास को स्पेसिफाई करने के लिए, ताकि आपको आइंदा के लिए ये चीज याद रहे, ये फार्मूला लिख रहा हूं। दूसरी क्लास दैट इज अल्कीन। पहले क्लियर है कि व्हेन एटलीस्ट कार्बन कार्बन वन डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट, जब एटलीस्ट क्या हो, एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मौजूद हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, अल्कीन कहेंगे। ठीक है, फॉर्मूला आपके पास क्या है, CH2, या फॉर्मूले की बजाय आप यहां पे कह दें एग्जांपल, एग्जांपल इसको कह दें। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला। इसी तरह तीसरी क्लास है आपके पास अल्काइन, अल्काइन। ठीक है, अल्काइन में क्या है, सी ट्रिपल बॉन्ड, जब क्या होगा कि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो, एटलीस्ट एक ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो, उस क्लास ऑफ कंपाउंड हम क्या कहेंगे, अल्काइन कहेंगे। ठीक है, और इसका एग्जांपल मैं लिखता हूं। ठीक है, तो ये तीन आपने याद रख लेने हैं, गिवन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड दैट इज अल्केन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अल्कीन, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड अल्काइन। ये तीन ग्रुप्स आपने अपने में रखने हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट के ऊपर। अच्छा, आते नेक्स्ट है जी अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड। अब ये एक नेक्स्ट उसमें भी आएगा, लेकिन यहां पर इसको मैं क्लियर कर देता हूं कि एक मैंने आपको पढ़ाया बट अल्केन, और यहां पे लिखा हुआ है अल्काइल, यहां पे क्लियर करना जरूरी है। ठीक है, अल्काइल का लफ्ज आपको क्लियर होगा तो फिर आपको ये चीजें, देखिए मैंने ये कहा कि ये इस तरह की है जब कार्बन के साथ क्या हो, चार बॉन्ड बने हो। ठीक है, अब हम क्या कहते हैं कि जब भी अल्केन का एक हाइड्रोजन आप रिप्लेस कर दें या हटा दें, ये वन हाइड्रोजन लेस अल्केन जो होगा, वन हाइड्रोजन लेस अल्केन को हम क्या कहते हैं, अल्काइल रेडिकल। ये बात आपने जहन में रखनी है कि जब भी आप अल्केन का एक हाइड्रोजन अलग करके उसकी जगह पर वन हाइड्रोजन लेस अल्केन लिख रहे होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आएगी, और इसी तरह हम आगे बात करेंगे। अच्छा, अब आते हैं अल्काइल हैलाइड। जब भी किसी भी, अच्छा एक और चीज, अल्काइल को हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसके लिए हम R लिखते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि इस फंक्शनल ग्रुप को हम जनरली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। याद रखना कि जब अल्काइल ग्रुप के साथ कोई हैलोजन लगा हो और हैलोजन को हम X से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा दिस X मे बी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये एक्स कोई भी ग्रुप हो सकता है, और ये आर कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है। दिस आर मे बी एनी अल्काइल ग्रुप, दिस आर मे बी एनी अल्काइल ग्रुप, आपने अपने जहन में इस बात को रखना है। ठीक है, तो
तो जब आर एक्स, आर एक्स का मतलब क्या होगा कि सी एच थ्री सी एल, सी एच थ्री बी आर या सी एच थ्री आई। जब भी एक हाइड्रोजन की जगह हैलोजन में से कोई ग्रुप आ जाएगा, जो क्लास ऑफ कंपाउंड बनेगी उसको हम अल्काइल हैलाइड कहेंगे, ठीक है। और जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो आर एक्स होगा। आर एक्स आपने अपने जहन में रखना है कि दिस आर एक्स इज फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल, ठीक हो गए। अब नेक्स्ट पे आते हैं, सॉरी, आर एक्स इज फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्काइल हैलाइड, सॉरी फॉर दैट। अच्छा, नेक्स्ट पे आते हैं अल्कोहल। सेम, जब आर ग्रुप के साथ ओ एच लगा हो, जैसे मैंने पहले भी लिखा था, ठीक है, इसी तरह अगर हम ये कहें सी एच थ्री ओ एच, दिस इज व्हाट अल्कोहल। जब किसी भी अल्काइल ग्रुप के साथ, याद रखना है, अल्काइल ग्रुप के साथ जब ओ एच ग्रुप लगा हो, ओ एच फंक्शनल ग्रुप लगा हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, अल्कोहल कहेंगे, ठीक है। तीसरा तो नहीं, नेक्स्ट। अच्छा, अमाइन, सेम, अमाइन का क्या है कि देन आर ग्रुप इज अटैच विद NH2। आर ग्रुप किसके साथ अटैच्ड हो, या आर ग्रुप के साथ जब NH2 अटैच्ड हो, तो उस फंक्शनल ग्रुप को हम क्या कहेंगे, अमाइन कहेंगे, ठीक है। जैसे कि हमारे पास क्या होगा, CH3NH2। आई होप ये तीनों फंक्शनल ग्रुप भी आपको क्लियर हो जाएंगे। अल्काइल हैलाइड से आपने हैलाइड को याद रखना है कि व्हेन एक्स ग्रुप इज अटैच्ड विद अल्काइल ग्रुप, व्हेन OH ग्रुप इज अटैच्ड विद अल्काइल ग्रुप, दैट इज अल्कोहल, एंड व्हेन NH2 ग्रुप इज अटैच्ड विद अल्काइल ग्रुप, दैट इज अमाइन। तो ये तीन फंक्शनल ग्रुप भी आपने उसी तरह से अपने जहन में रखने हैं। अच्छा, अब हम आगे के फंक्शनल ग्रुप को याद रखना है कि बेसिक ग्रुप की बिना पे क्लासीफाई करते हैं। देखिए, हमारे पास जब कार्बन के डबल बॉन्ड बने हों ऑक्सीजन के साथ, ये ग्रुप आपने अपने जहन में रखना है। व्हेन कार्बन हैज टू डबल बॉन्ड, यानी सॉरी, वन डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन, व्हेन कार्बन हैज वन डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन, दैट इज नोन एज कार्बोनेल फंक्शनल ग्रुप, कार्बोनेल ग्रुप, इसको आपने जहन में रखना है। दिस इज व्हाट कार्बोनेल, इसको कार्बोनाइल भी पढ़ते हैं, कार्बोनील भी पढ़ते हैं, कार्बोनेल भी पढ़ते हैं, जो आपका दिल करे, जो आपको आपके मुंह को ज्यादा तंग ना करे, जो आपको आसानी लगे प्रोनाउंस करने में, वो आप इसको प्रोनाउंस कर लें। तो ये आपने अपने जहन में रखना है कि व्हेन कार्बन हैज डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन, दैट ग्रुप इज नोन एज कार्बोनेल फंक्शनल ग्रुप। और आगे के फंक्शनल ग्रुप या आगे की जो क्लासेस होंगी वो इसी पर बेस करते हैं। नंबर वन, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड ये है कि व्हेन वी हैव कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप और उसकी एक साइड पर परमानेंटली हाइड्रोजन लगा हो और उसकी दूसरी साइड पर आर ग्रुप लगा हो। दोबारा सुन लीजिए कि व्हेन वी हैव कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप सेंटर में और उसकी एक साइड पर हाइड्रोजन परमानेंटली लगा हो, दूसरी साइड पर हाइड्रोजन भी हो सकता है, कोई अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, कोई एरोमेटिक ग्रुप भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। Here may be alkyl, here may be hydrogen, here may be aryl, aromatic भी हो सकता है, लेकिन इधर लाजमी तौर पर क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन होना चाहिए, ठीक है। तो आप देखिए, इसकी एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं, CH3 C double bond H, दिस इज वन एग्जाम्पल ऑफ एल्डिहाइड, जैसे एसिटाल्डिहाइड। इसी के साथ इसी का दूसरा बाई है, दैट इज कीटोन, दैट इज व्हाट कीटोन, ठीक है। तो कीटोन को हम क्या कहेंगे, देखना कि व्हेन वी हैव कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप और इसके अराउंड दोनों साइड्स पे, इसके अराउंड दोनों साइड्स पे क्या हो, अल्काइल ग्रुप हो, या अल्काइल भी हो सकते हैं, अराइल भी हो सकते हैं, ये चीज आपने देखा। हाइड्रोजन ना हो, हाइड्रोजन आ गया एक साइड पे तो वो एल्डिहाइड बन जाएगा, और अगर हाइड्रोजन ना हुआ, दोनों साइड पर अल्काइल ग्रुप हुए, तो फिर उसको हम क्या कहेंगे,
दैट इज बट कीटोन। ठीक है, अच्छा एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक सिंपल एग्जाम्पल इसकी लिखता हूँ जी, दैट इज वन एग्जाम्पल ऑफ कीटोन। तीसरा इन्हीं के क्लास से रिलेटेड है कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, अब देखिए सिंपल उसी तरह से सेंटर में कार्बोनिल, एक साइड पे अल्काइल और दूसरी साइड पे ओएच, दैट इज नोन एज कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको नाम भी इसीलिए दिया, दिस इज हाइड्रोक्सिल एंड दिस इज कार्बोनिल, कार्बोनिल प्लस हाइड्रोक्सिल को मिला के कार्बोक्सिल कह दिया, कार्बोनिल प्लस हाइड्रोक्सिल को मिलाकर कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप कह दिया जाता है, और इसको हम एसिड फंक्शनल ग्रुप भी कहते हैं, दैट इज एसिटिक एसिड। ठीक है, ये इसकी एग्जांपल और ये इसका फंक्शनल ग्रुप। आई होप ये तीनों फंक्शनल ग्रुप भी आपको क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट के फंक्शनल ग्रुप के ऊपर। अच्छा जी, इसके बाद है हमारे पास एसिड अमाइड, एसिड अमाइड। देखिए एसिड का OH अगर रिप्लेस हो जाए, उसकी जगह पर अमाइन ग्रुप आ जाए, दैट विल बी नोन एज एसिड अमाइड। देखिए आर यहां तक तो क्लियर, कार्बोनिल की एक साइड पर और दूसरी साइड पर जब NH2 ग्रुप लग जाए, दिस विल बी नोन एज एसिड अमाइड। इसको हम क्या कहेंगे, एसिड अमाइड। ठीक है, और इसकी एग्जांपल मैं लिखूं तो ये सिंपल एग्जांपल आप अपने पास लिख सकते हैं। ठीक है, ये इसी तरह हम देखें ईस्टर फंक्शनल ग्रुप, ईस्टर फंक्शनल ग्रुप, ईस्टर फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, व्हेन वी हैव आर अटैच विद कार्बोनिल एंड देन ऑक्सीजन एंड देन आर। तो जब कार्बोनिल की एक साइड पे ओ आर ग्रुप, और दिस ओ आर ग्रुप इज नोन एज अल्कोक्सी फंक्शनल ग्रुप, इसको हम क्या कहते हैं, अल्कोक्सी ऑक्सी एंड दिस इज अल्काइल, अल्काइल ऑक्सीजन, दैट्स व्हाई दिस इज सिंप्लीफाइड एज अल्कोक्सी। तो ये याद रखते हैं कि आर ओ को हम क्या कहेंगे, अल्कोक्सी। तो आप सिंपली क्या कह सकते हैं कि व्हेन अल्कोक्सी फंक्शनल ग्रुप इज अटैच्ड विद कार्बोनिल देन दैट फंक्शनल ग्रुप इज नोन एज ईस्टर। इसकी एग्जांपल एग्जांपल मैं अगर लिखूं तो आपके सामने ये एक एग्जांपल आ सकती है, ईस्टर हो गए। इसी से मिलता हुआ एक और फंक्शनल ग्रुप है, दैट इज एसिड हैलाइड। हैलाइड आपने एक पढ़ा पहले, अब वहां अल्काइल हैलाइड था, अब यहां एसिड हैलाइड है, तो ये एसिड का डेरिवेटिव है, आर कार्बोनिल प्लस एक्स, एक्स को ही हुआ हैलोजन, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन कोई भी हो सकता है। तो आप ये कहें कि व्हेन कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप इज अटैच्ड विद हैलोजन, दैट क्लास ऑफ कंपाउंड इज नोन एज एसिड हैलाइड, सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ सी एच। ये आपके पास तीन फंक्शनल ग्रुप अगेन क्लियर हो गए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे बात करेंगे, जो तीन फंक्शनल ग्रुप हमारे पास रह गए इनमें ईथर, ये सिंपल फंक्शनल ग्रुप है कि व्हेन वी हैव ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन इज अटैच्ड विद टू अल्काइल ग्रुप, ऑक्सीजन के साथ जब दो अल्काइल ग्रुप अटैच्ड हों तो हम उसको क्या कहेंगे, ईथर फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, जैसा कि मैं इसकी एग्जांपल लिखूं सी एच थ्री ओ सी एच थ्री। ठीक है, ये एक फंक्शनल ग्रुप हो गया। ठीक है, दूसरा साइनाइड, साइनाइड्स भी कहते हैं, नाइट्रल्स भी कहते हैं, ये हमारा अलग फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, जब हमारे पास क्या हो, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन मौजूद हो और उसके साथ अल्काइल ग्रुप को, दिस इज व्हाट सी एन ग्रुप, व्हेन वी हैव साइनाइड ग्रुप अटैच्ड विद अल्काइल ग्रुप,
उसको हम क्या कहेंगे, नाइट्रिल या अल्काइल नाइट्रिल, इसको लोग नाइट्राइल्स भी प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है, और साइनाइड फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो इसको आप यूँ लिख सकते हैं CH3CN, मिथाइल साइनाइड। इसके बाद हमारे पास है अमाइंस, इमाइंस, जैसे आपको इजी लगे उस तरह से कर लें, अमाइंस। व्हेन वी हैव कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, देखिए कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन अटैच्ड विद अल्काइल ग्रुप, जब कार्बन डबल बॉन्ड एन एच ग्रुप हो और उसकी साइड पर अल्काइल ग्रुप हो, तो ये चीज आपने याद रखी है, इसको आप अमाइंस कहेंगे। इसकी जगह पर यहाँ एक हाइड्रोजन का होना जरूरी है, ठीक है, चार बॉन्ड इसके आपने पूरे करने हैं। तो ये चार एक फंक्शनल ग्रुप थे जिन पर हमने डिस्कशन की। लास्ट में एक इम्पॉर्टेंट चीज जो आपके लिए जरूरी है, उसको भी आपने अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है ताकि आइंदा के लिए आपके लिए आसानी रहे, ठीक है। देखिए हमारे पास तीन फंक्शनल ग्रुप आए, कार्बन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। इधर जो भी है उनसे हमारा लेना देना नहीं है, ठीक है। यहाँ पर कुछ लोग ये भी कह सकते हैं, मैं वो उन चीजों में नहीं जा रहा कि वैलेंसी सेटिस्फाइड है, मैं जस्ट एक बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। आपने याद रखना है कि व्हेन दिस इज सिंगल बॉन्ड, व्हेन कार्बन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड इज प्रेजेंट, द फंक्शनल ग्रुप इज अमाइंस। व्हेन कार्बन डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट, दैट इज इमाइंस, ठीक है, और व्हेन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट, दैट इज नाइट्रिल। तो इन चीजों का आपने ख्याल करना है कि फंक्शनल ग्रुप कुछ एक सिमिलर होते हैं, मिलते जुलते होते हैं, जो अक्सर स्टूडेंट को कंफ्यूज करते हैं।